नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से, बच्चों बूढ़ों सबसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानना चाह रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। सर डॉक्टर गुरमीत राम देव सिंह जी, इनसे के बारे में तो बातचीत करते हैं। हेलो, आपका क्या नाम है? दुविंदर सिंह। कहाँ से आए आप? फाजिलका से। कितने साल हो गए आपको डेरे में आते हुए? 10 ईयर्स। कौन सी क्लास में आप? सिक्स्थ क्लास में। तो आप 10 ईयर से आप आ रहे हैं डेरा में? 10 ईयर से मम्मा पापा वगैरह सब आ रहे हैं। तो मतलब क्या आपको भी विश्वास है गुरु जी पर? यस। तो ऐसा क्या सिखाया उन्होंने जो आप भी आते हैं? उन्होंने ये सिखाया कि किसी का हक छीन के नहीं आना हमने, देना हमने, किसी का लेना नहीं हमने। और गुरुजी ने बताया कि हमको किसी का लेना है, लेना नहीं है, और देना सबको है। गरीब है, जरूरतमंद है, सारों को देना है। बुक्स वगैरह हम देते हैं। जब मेरा बर्थडे होता है तो मैं एक पौधा लगाता हूँ, और गरीबों में मैं बर्थडे नहीं मनाता, गरीबों में बूट्स सैंडल्स ऐसे सबको दे के आता हूँ। मैं अपना बर्थडे मनाता नहीं हूँ, ऐसे अपना देता हूँ। हमारे ये गुरु जी ने सिखाया है। आपके गुरु जी ने सिखाया है? क्या आपको अच्छा लगता है जब आप उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे? यस। तो मतलब और क्या सिखाया आपके गुरुजी ने? गुरुजी ने हमको सिखाया कि आपको कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, हमेशा सबको खुशियां देनी है, दुख किसी को नहीं देना है। तो आपको क्या लगता है गुरुजी समाज में वापस आ जाएंगे? यस, उनका जब भी मिशन पूरा होगा वो आएंगे। तो आप क्या मिस करते हो उनको? गुरुजी को मिस करते हो आप? बहुत ज्यादा। और क्या कहना चाहोगे, आज आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारे पूज्य गुरुजी का जन्म महीना है तो करके हम यहाँ पर आए हैं। सेलिब्रेट कर रहे हो, ये सब आप सेलिब्रेट कैसे करोगे? कब से करेंगे आप सेलिब्रेट कैसे करोगे? हम यहाँ पर सेवा करेंगे। जो उनके गुरु जी ने 135 कार्य कराया वो करेंगे हम। जो उनसे गुरु जी ने हमें भजन किया वो हम करेंगे। तो आप, आपके घर से और भी कोई आता है यहाँ पर? नहीं, घर से हमारे सारे आते घर से। और आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आना? यस, अच्छा लगता है आपको आना? बहुत अच्छा। आप आगे भी ऐसे आते रहोगे? हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर आने वाले छोटे छोटे बच्चों का भी साफ साफ कह रहा है कि इनको इनके गुरु जी पर पूरा विश्वास है। इतने अच्छे अच्छे काम इन्होंने बताए। इन्होंने बताया कि अपने बर्थडे में पौधा लगाते हैं, बच्चों को, गरीब बच्चों को बुक्स बांटते हैं, क्लोथ बांटते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये सब सिखाया इनके गुरु जी ने। तो आप खुद सोचिए कि आखिर क्या सच्चाई हो सकती है डेरा सच्चा सौदा की। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। देखते रहिए हमारा चैनल।